गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉब फेयर में। तो दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी करियर इंटरव्यू बनती है 24 अक्टूबर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और साथ में इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो पूरी इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, क्योंकि तभी आपको जो है और सारे जो है जो भी मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाती है उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सौरभ गांगुली जी को, ठीक है। और किन के जगह पर बनाया गया है, तो कपिल देव की जगह पर, क्योंकि ये जो है पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, इनके जो इस्तीफा देने के बाद जो है वो अब सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये सौरभ गांगुली बीसीसीआई से बीसीसीआई के क्या में अध्यक्ष हैं, तो ये जो है 39वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा। और आपको बता दूं, जैसी यहाँ पे जो जैसी आप देख रहे हैं, जैसी हैं अमित शाह के बेटे, और इन्हें जो है सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, बीसीसीआई के जो है सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमीम वर्मा को जो है वह बनाया गया है बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, हमीम वर्मा जी को, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और दोस्तों, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बीसीसीआई के जो है प्रमुख वह सी के खन्ना जी हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि किस शहर में 2024 का ओलंपिक खेल का जो है लोगो लॉन्च किया गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए 2024 का जो है खेल कहाँ होगा, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी फ्रांस में, पेरिस में। तो पेरिस जो है किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी जो है फ्रेंड्स वह पेरिस है, और यहीं पे जो है 2024 का जो है लोगो लॉन्च किया गया, और इसी शहर में ये जो है 2024 ओलंपिक भी होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपको बता दूँ 2028 का भी जो है डेट फिक्स करा गया है कि 2028 में जो है कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा दोस्तों, तो आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जिन स्टूडेंटों को पता है। अगर नहीं पता है तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी लॉस एंजलिस, ठीक है। 2028 का जो है लॉस एंजलिस में आयोजित तो होगा। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की यहाँ पे आपको राजधानी पता चल गई जो कि पेरिस है, और आपको बता दूँ कि यहाँ के जो है राष्ट्रपति वो एमोनुएल मैक्रोन है, और मुद्रा यहाँ की जो है यूरो चलती है जो कि ईपीएफ फ्रैंक होती है, ठीक है। और साथ में अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों कि पेरिस जो है इसकी सांसद को क्या कहते हैं, जो फ्रांस है वहाँ की सांसद को क्या कहा जाता है, तो नेशनल असेंबली यहाँ के जो है सांसद को कहा जाता है। और यहाँ की जो है प्रधानमंत्री की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, इडुवाई फिलिप जो है यहाँ के वह प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रांस के बारे में, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब किसने जीता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का जो है सातवां सीजन, ये जो है सातवां सीजन था 2019 में दोस्तों, आप लोग जरूर सीजन ध्यान में जरूर रखिएगा। ये जो है किस टीम ने जीता है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों बंगाल वेरियर्स, ठीक है। इसकी राइट आंसर बंगाल वेरियर्स हो जाएगी। अब किसे हरा के जीता है, तो दबंग दिल्ली को जो है हरा के बंगाल वेरियर्स ने जो है यह सीजन जीत लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में कि इस लीग में जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द का अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो दबंग दिल्ली के जो है नवीन कुमार को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UIDAI यानी कि उदय के नए CEO किसे बनाया गया है। आप लोग को पता होगा उदय का मतलब आधार कार्ड, यहाँ पे आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आधार कार्ड के ऊपर भी इसी तरह का यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो इसके CEO किसे बनाया गया है। और UIDAI का जो है यहाँ पे आपको अगर फुल फॉर्म बता दूँ दोस्तों, तो क्या होता है UIDAI का, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। और इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगी पंकज कुमार, इसे जो है उदय का जो है वह CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, और उदय का जो है वह मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि काम्बो वडे गणराज में जो है भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया है। तो काम्बो वडे गणराज जो है वहाँ पे भारत के अगले राजदूत कौन बन गए हैं,
तो डी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। वेंकट श्रीनिवास जो हैं वहाँ के नए राजदूत बने हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी ऑप्शन से बात करते हैं, आपको श्री घोटू राम दिख रहा होगा यहाँ पे सी नंबर में। ये जो है कांगो के गणराज के जो है वह उच्चायुक्त हैं, ठीक है। और सुहेल आजाद जो हैं यह हैं लेबनान के, कहाँ के, लेबनान के हैं। और जी वी श्रीनिवास दिख रहे होंगे ये हैं सोने वेगल के, ठीक है। सोने गल जो होती है हाँ गणराज वहाँ के ये उच्चायुक्त हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्रालय के नीति सलाहकार कौन बने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिली है कि विदेश मंत्रालय के जो है नीति सलाहकार किसे बनाया गया है। तो नीति सलाहकार किसे बनाया गया था तो फ्रेंड्स, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो आप लोग को बताना है। इसकी राइट आंसर हो जाएगी अशोक मलिक, ठीक है। ये नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। और एस जयशंकर जो है वह भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अशोक मलिक को जो है नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है विदेश मंत्री के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान जो है शीर्ष पर रहा। तो 2020 के लिए जो है 2019 में ही इसका जो है ये निकाला गया था। और आपको बता दूं इसकी राइट आंसर हो जाएगी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो क्यूएस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो क्यूएस का मतलब होता है क्वाक वैली साइडमस, ठीक है फ्रेंड्स। ये लगातार जो है दूसरे वर्ष आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष पर रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीआईएसएम विश्व सैन्य खेलों में पैरा एथलीट आनंद गुणशेखरन कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स बी, दो नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। दो स्वर्ण पदक जो इन्होंने सीआईएसएम विश्व सेना खेल में जो है इन्होंने जीता है, जो कि एक जो है 100 मीटर रेस और एक जो है 400 मीटर रेस में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने यह नीति अपनाया है कि दो से अधिक बच्चे वाले को जो है सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं हाल ही में ये नीति किस राज्य के द्वारा अपनाया गया है कि दो से ज़्यादा जो है बच्चे जिनके हैं उन्हें जो है सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों असम, ठीक है। डी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी, असम सरकार के द्वारा यह जो है नीति अपनाया गया है। इसे लागू कब किया जाएगा दोस्तों, तो ये जो है डेट भी बता दिया गया है, इसे लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। और इसे जो है अभी नीति अपनाया गया है लेकिन लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2021 को। अब बात करते हैं असम राज्य के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो असम राज्य के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं प्रो जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्वानंद सोनेवाल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब का मानक आजीवन सदस्य किसे चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आजीवन जो है वह सदस्य चुना गया है जो मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब है उसके द्वारा। तो किसे चुना गया दोस्तों, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर ग्रीम स्मिथ, ठीक है। ये जो है पूर्व कप्तान है दक्षिण अफ्रीका के और इन्हें जो है वह मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब के द्वारा आजीवन यानी कि पूर्ण काल तक जो है सदस्य के रूप में चुना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी और आज की जो है ये लास्ट क्वेश्चन थी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर और भी ज़्यादा अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम।